वहीं 3 दिन के भीतर दूसरी बार पुलिस भर्ती परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बायोमेट्रिक मशीन में पूर्व में परीक्षा देने की पुष्टि होने का पता चलने के बाद केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। कुशीनगर निवासी आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के मुख्य कैंपस में बने परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों की जांच चल रही थी। कुशीनगर का रहने वाला वशिष्ठ के आधार कार्ड के सत्यापन में गड़बड़ी की आशंका हुई तो उसका बायोमेट्रिक कराया गया, जिसने उसकी पहचान तो सही निकली और उसे परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई। कुछ ही देर बाद बायोमेट्रिक जाँच में जब पता चला कि यह पूर्व में परीक्षा दे चुका है तो इसकी जानकारी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई। करीब आधे घंटे बाद स्टैटिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने उसे परीक्षा केंद्र से हिरासत में ले लिया। वहीं जौनपुर से भी बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती परीक्षा में 2 फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को फर्जी डॉक्यूमेंट के मिसमैच के चलते जौनपुर के 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से पकड़ा गया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना किदवई नगर के अंतर्गत में एक सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती की परीक्षा आयोजित हो रही थी। कल दिनांक 24/8/2024 को जो द्वितीय पाली की परीक्षा थी, उस समय एक परीक्षार्थी जिसके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और मौके पे जो व्यक्ति था, इस तीनों फोटो में भिन्नता पाई गई थी। उसे शक के आधार पर उसे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम पहले रामदीन बताया, जैसा कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में अंकित था। उससे जब कुछ और बेसिक डिटेल्स रामदीन के बारे में पूछा गया तो बेसिक डिटेल बताने में संभव नहीं हो सका उसके लिए। फिर जब उससे पूछताछ की गई, काफ़ी पूछताछ करने के बाद में जब उसे ने अपना नाम नरेंद्र बताया, उसने बताया कि मैं वाकई में मेरा नाम नरेंद्र है और मैं धौलपुर जनपद का रहने वाला हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ, और यहाँ पर वो जिसके बदले में परीक्षा दे रहा था उसका नाम उसने रामदीन बताया। और जो एडमिट कार्ड पे जो एड्रेस है वो जनपद आगरा का है, लेकिन जब उसके बारे में उससे पूछताछ थी।